हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आयुर्वेदिक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बच्चों का बिस्तर में पेशाब करने की जो समस्या है उससे आप किस तरह से निजात पा सकते हो। तो दोस्तों, बताने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम उस आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया है परंतु फिर भी वो बिस्तर में पेशाब करता है तो आप हमारे इस आयुर्वेदिक उपाय को अपनाकर इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कई बार पेट में गैस का ज़्यादा बनने की वजह से भी हो जाता है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको आयुर्वेदिक प्रयोग बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही सरल और असरदार है। यदि आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हो तो आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। दोस्तों, इसके लिए आप काला तिल ले लीजिए 100 ग्राम, पोस्त 50 ग्राम, खसखस 50 ग्राम और गुड़ 150 ग्राम। तो दोस्तों, इन सभी की ये मात्रा ले लीजिए और इन सब को आप अच्छी तरह से मिलाकर इसका एक मिश्रण तैयार कर लें। जब ये मिश्रण तैयार हो जाए तो दोस्तों, आप इससे 15-15 ग्राम के लड्डू बना लें। तो दोस्तों, अब इन लड्डू को रात को सोते समय इसका आप सेवन करें। इस दवा का दोस्तों आपको 30 दिनों तक सेवन करना है। तो दोस्तों, नियमित रूप से यदि दवाई का सेवन किया जाए तो आपको इससे 100% लाभ होगा। तो दोस्तों, यदि ऐसी कोई भी समस्या है आपके बच्चों को तो आप इसका अवश्य प्रयोग करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।